प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो इन्होंने पिक्चर बनाई है नदान इश्क बा, इसमें काफी अच्छा काम किया है आशीष ने, तो इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के देखिए और इस पिक्चर को हिट बनाइए और जाइए इनको सहयोग दीजिए। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं सर को काफी टाइम से जानता हूँ, दिल्ली से था तो मुझे पता, मतलब सर के बारे में जानता था, तो मैंने कहा सर मतलब कि कैसे कर रहे हैं, मतलब इनके सर के पैर में चोट भी लगी थी एक टाइम पे, और फिर जब भी सर अब यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा मिलके, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है मिलके वैसे भी सर से। तो मुलाकात रही, क्या बातें हुई आपको? बहुत अच्छा रहा, बहुत मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो कभी सपने में ही सोचा था कि इतनी बड़ी हस्ती से मैं मिल पाऊंगा या फिर मेरे से मुलाकात होगी, और मैं तो टीवी में देखा करता था एक दो बार, तो अभी तो मिलके सामने से मिले तो बहुत ही ज़्यादा खुशी। और जी सर, बेसिकली मैं ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग आए, ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, लेकिन फिर भी सर को बताया कि ये बच्चों की, छोटे बच्चों की कहानी है और उन्होंने काफ़ी अपना एफर्ट लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी भी है, तो सर से आग्रह किए कि सर एक बार इसके बारे में देखिए और बाकी हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आप गुडनेस दीजिए। मज़ा तो बहुत आया होगा गुरुजी को? बहुत बहुत बहुत, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि सर हमारे प्रमोशन करेंगे और मिल गए सर बहुत मुश्किल से, और स्पेशल थैंक्स इसके लिए उनको। मैं बचपन से ही थोड़ा प्यार मोहब्बत से दूर था, मैं बचपन से ही जो मेरी लड़ाई थी, जो प्यार था वो अपने वेट्स के साथ था, अपने देश के मेडल के साथ था, अपने देश के साथ था मेरा जो प्यार था। तो आने वाले यूथ को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा संख्या में इनकी मूवी देखिए, बचपन में जो आप इश्क कर बैठते हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं वो देखिए और इनकी पिक्चर को हिट बनाइए। हाँ, यही मेरे को कहा जाता था कि यार ये तो पागल है, बहुत लड़कियाँ कमेंट भी करती थी कि ये तो यार थोड़ा पागल सा है, इसको कोई भाव ही नहीं देता है, कुछ हम बात करना चाहते हैं बात ही नहीं करता है, ये अपने अपने मस्ती में मस्त रहता है, एक्सरसाइज करता है, भगवान की पूजा करता है, बस उसी में लगा रहता है। तो बचपन से ही काफ़ी सुनता आया हूँ मैं तो, और उसी से काफ़ी वो मिलता है मुझे। नहीं, नहीं लगता है कि ये थोड़ा किया होता तो ज़्यादा ठीक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये किया होता तो मैं शायद आज गौरव शर्मा वर्ल्ड चैंपियन ना कहलाता, और तो काफ़ी बड़ा हो रहा मेरे को। थैंक यू। प्लैनेट भोजपुरी।